हेलो दोस्तों, मैं आनंद आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आया है। आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये इस वक्त जो हमारे पास आया हुआ है लेटेस्ट वर्जन आपका मिरेकल ग्रोमेट टूल 1.5। तो हम जैसे कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसको करने के बाद जो एरर आ रहा है दिखा दूँ मैं आपको, उसको फिक्स कैसे करना है सिंपली। देखो यहाँ पर हमने जैसे उसको इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद दिक्कत आ रही है। और इसको यहाँ पे ये है ना, यूज़र आईडी और पासवर्ड और हार्डवेयर इज़ नॉट वैलिड, नॉट न्यू वर्जन, नीड टू चेंज हार्डवेयर, ठीक है। ये एरर आ रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको बता दूँ स्टेप बाई स्टेप। आपको इंस्टॉल कर लेना है जेएसएम आसिफ भाई के साइट पे जाके, ठीक है। तो कि उन्होंने ही ये टूल का टूल बनाया और उसको रिलीज़ किया है, तो उसके बता रहा हूँ मैं आपको। आप देखते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक किजन आएगा और एक आएगा आपका मिरेकल एक्सपायर्ड यूजेज। तो इसे सॉल्ट सेटअप है और ऊपर वाला जो है आपका कीज है ना, ठीक है। जैसे कि हमने इन दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लिया है पासवर्ड के अंदर, फाइल बना के डाल दिया इसके अंदर। अब क्या है, इसके अंदर जब क्रैक टूल है दिखा रहा है, इसके अंदर पासवर्ड है। मैं पासवर्ड बता दिखा देता हूँ, ये पासवर्ड हमारा है क्रैक मतलब कीजन के लिए, कीजन के लिए हमारे पास ये पासवर्ड है, ठीक है। दूसरा जो है ये सेटअप के लिए है, ठीक है। मैं दिखा रखा हूँ ना लिखा सामने सेटअप सीजन, ठीक है। और ये तीसरा जो है जो स्टार्ट करते हैं हम सेटअप को, तो उसके अंदर बीच में पासवर्ड मांगता है इसके लिए। तो ये हमारे पासवर्ड आपको ध्यान रखना होगा स्पेशली, ठीक है। अब क्या है कि अब मैं आपको दिखा दूँ, जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हमने सेटअप डाउनलोड कर लिया है और इसको इंस्टॉल कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप पर इसका सॉफ्टवेयर फाइल बन के आ गया। अब क्या है कि हमें सिर्फ सीजन को यूज़ करना है। इसको जैसे ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसको दो बार मैंने ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन है और आता है आपका हार्डवेयर आईडी, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है, ऑथेंटिक बाईपास को जैसे ही क्लिक करते हो, तो ये आपको सिंपली यहाँ पे हार्डवेयर आईडी प्रोवाइड करवाएगा और आपका नाम। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाम के पास आप अपना नाम डाल देना और वो हार्डवेयर आईडी अथेंटिक बाईपास से हार्डवेयर आईडी कॉपी करके इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ करना है जनरेट पे क्लिक। जनरेट करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, कीज आ जाएगी काफ़ी, जहाँ पे नंबरिंग से हार्डवेयर आईडी होती है और यहाँ पे की आ जाएगी। आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है कॉपी करके। वेरीफाई ऐसे करोगे और यहाँ से कॉपी कर लोगे, कॉपी होने के बाद आपको क्या करना है, क्लोज करके जो आपको दिखाएगा यहाँ पे अथेंटिक बाईपास पे क्लिक करके आपको हार्डवेयर आईडी पूछेगा और नाम पूछेगा, तो नाम वाले डायलॉग बॉक्स में आपको नाम डाल देना है और हार्डवेयर वाली आईडी में आपको हार्डवेयर आईडी डाल देना है, ठीक है। जो जनरेट की है वो की डाल देना है आपको और कुछ नहीं करना। सिंपली उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आप अथेंटिक बाईपास है इस पर दो बार क्लिक करोगे तो ये अपने आप ही ऑन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दो बार क्लिक किया उसके बाद इसको लॉगिन कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब ये जो एरर आ रहा था आपका लॉगिन और पासवर्ड का, वो एरर आ रहा नहीं है और ये डायरेक्टली ऑन हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है और इसको एक्टिवेट करना है। जो कि एरर आ रहा था वो आपका एरर फिक्स हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।